हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मिस्टर नेपाली स्टडीज चैनल, जहां पर हम आप लोगों को विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी और साइंस के बारे में वीडियो दिखाते हैं। तो आज का हमारा एक नया टूल लेकर आए हैं हम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट डिटेक्टर है, जिसे हम सर्किट में जो हमारा ये लाइन का सर्किट रहता है उसमें करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, उसके बारे में आज हम आप लोगों को इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके चेक कैसे करते हैं, वो आइडिया आप लोगों को हम बताएँगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा एक जगह बनाया हुआ सीरीज बोर्ड है, तो उसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं इसको ऑन कर लिया है, यहाँ से भी इसको ऑन किया जाए और आप लोग देख सकते हैं मेरा ये सीरीज बोर्ड फुल्ली काम कर रहा है। किसी दिन आपको भी इस बनाने के वीडियो को ज़रूर दिखाएंगे, ये सीरीज बोर्ड कैसे बनाना है करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। जैसा कि ये एक डिवाइड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा करंट में, हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक वाले फ्रेंड्स सब लोग जानते होंगे कि हर एक करंट में एक मैग्नेटिक फील्ड दौड़ता है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट करता है। तो ये एक मैनुअल यूज़ होता है, इसमें कोई वायर्स कनेक्टेड नहीं रहते हैं। हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट दौड़ेगा उससे ही काम करेगा। तो जैसे किसी जोड़ काम कर रहा है, तो अगर हम इस सर्किट को जैसे कि फेज वायर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ता है, तो तोड़ने के बावजूद उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड से हम लोगों को करंट पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम इस पर टच करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक वायर है, जो कि जैसे कि आप लोग हम न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे, तो न्यूट्रल में ये नहीं बताएगा क्योंकि न्यूट्रल में हमारा करंट नहीं दौड़ रहा है। लेकिन अगर हम फेज में टच करते हैं, तो जैसे कि एक फेज वायर है, फेज वायर में ये डिटेक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अगर हम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक फेज़ वायर है, ठीक है। इस फेज़ वायर को अगर हम इसके नज़दीक लेके जाते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसे इसको क्या करेगा कि इसको लाइट डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम सर्किट को रन भी करते हैं, मान लीजिए सर्किट को हम रन कर दिए, है ना, जैसे कि ये सर्किट हमारा अब रन हो रहा है, ठीक है। तो फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, जैसे कि अभी ये वाला वायर है, इसको हम पहले सीरीज बोर्ड को अपना कनेक्ट कर दिए, फिर ये जो है सीरीज जो आप लोग भी जानते होंगे, जब हमारा एसी करंट जो है दौड़ता है करंट लाइन में, तो उसका पोल चेंज होता रहता है, उसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है, तो इसलिए इस करंट का भी पोलैरिटी चेंज होता होगा, ठीक है। तो यानी कि ये फेज अब ये न्यूट्रल बन जाता है, करंट हम लोग सर्किट में दौड़ता है। यानी कि अब हम अगर हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो हम लोगों का ये डिटेक्टर बता देगा, ठीक है। अब चाहे फेज हो चाहे न्यूट्रल हो, हमारा करंट एकदम बढ़िया से काम करेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, फेज वायर स्पेशली फेज वायर के लिए रहता है, फेज वायर में ही ये काम करेगा, न्यूट्रल में नहीं काम करेगा, क्योंकि न्यूट्रल में कोई प्रकार का हमारा करंट नहीं दौड़ता है। तो उसको ऑफ कर देते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं अंदर होता है, इसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल सी बैटरी होती है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा काम करता है। तो इसको आप ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं अथवा किसी इलेक्ट्रिकल स्टोर में भी जाकर। तो इसमें एक हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक लाइट भी दिया हुआ है, जैसे अंधेरे में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए ये एक लाइट बना दिया गया है इस इन्वेंशन के द्वारा। तो ये लाइट भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और इसका बैटरी इसी बैक के पीछे होता है इसका बैटरी, जो कि आप लोग अगर इसको खोल कर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो कि हम आप लोग अगली वीडियो में दिखाएँगे, और ये सीरीज बोर्ड के बारे में भी हम अगली वीडियो में दिखाएँगे। तो इस लाइट डिटेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स भी है। जैसे कि अब लोग हम किसी भी सर्किट में इसको पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा सर्किट बोर्ड अगर ख़राब हो गया है, तो हम लोग इसको ईजिली पता लगा सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, अगर हमारा मान लीजिए ये राइट है कि रॉन्ग है करके अगर लोगों को हम पता लगाना है, तो हम आप लोगों की सर्किट ब्रेक करके दिखाते हैं। लोग देख सकते हैं, हमने इसमें एक कनेक्टर इसमें जोड़ दिया है, जो कि कनेक्टर अब हम तो देखेंगे इसमें करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। जैसे कि हम लोग अगर इधर लगाते हैं, तो जैसे देख सकते हैं आप लोग इसमें करंट दौड़ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें लगाएंगे, देख सकते हैं आप इसमें हमारा करंट दौड़ रहा है, इस सर्किट में हमारा करंट दौड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस दूसरे वाले कनेक्टर में लगाते हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग इसे दूसरे वाले में लगाएं, तो जैसे कि अगर हम चेक करें, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि इसमें करंट हमारे वायर में नहीं दौड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर नज़दीक इसके ले जाकर देखें, तो नहीं दौड़ रहा है।
क्योंकि हमने इसके वायर को ही हटा दिया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें करंट दौड़ रहा था, ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को, वायर्स को, और ये इलेक्ट्रॉनिक पसंद में भी इजीली अवेलेबल है। तो आज ही जाकर किनें, खरीदें इसको और इसको इन्जॉय करें, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रोडक्ट के साथ, अगले साइंटिफिक वीडियो के साथ। थैंक यू।